हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कैसे होता है, क्या क्या रीजंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी का सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट कैसे होता है, डाउन द लाइन कैसे जाता है, या सेफ्टी कल्चर नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर नहीं हो पाता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फैक्टर्स दैट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, वो चीजें क्या है, फैक्टर्स क्या है नेगेटिव सेफ्टी कल्चर जिसको इंपैक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से जो स्ट्रांग जो लीडरशिप है ये वो नहीं होती है, उसकी कमी होती है, तो उसका क्या नतीजा होता है जो इम्पेक्ट पड़ता है सीधा, वो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर आपका सेफ्टी कल्चर क्या होता है, डिटोरिएट होता है। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, जहां पे ब्लेम कल्चर रहेगा वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर नहीं हो सकता है। ब्लेम कल्चर कैसा कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको वहां पे जो मैनेजर है वो क्या बोलेगा, तुम्हें बोला था सही से काम करने के लिए, किया नहीं है, उसको ब्लेम करने लगते हैं। रूट कॉज जुड़ने के बजाय वहां पर उसको ब्लेम करने लगते हैं। देन लैक ऑफ मैनेजमेंट टू सेफ्टी, एग्जांपल सेइंग वन थिंग एंड डूइंग अनदर, जो मैनेजमेंट कमिटमेंट करता है कि हम बहुत अच्छे से सेफ्टी को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम सेफ्टी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, बट रियल में क्या होता है वो नहीं होता है, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, तो इसके इसके लिए भी क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सेफ्टी कल्चर पे। देन हेल्थ एंड सेफ्टी रिसीविंग लोअर प्रायोरिटी देन अदर बिजनेस इशू, आप वहां पे काम पहले प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद सेफ्टी की प्रायोरिटी देते हैं, देन वहां पे भी क्या होता है आपका सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, फ्रीक्वेंट और पुअरली कम्युनिकेटेड चेंज रिजल्टिंग इन अनसर्टेनिटी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है फ्रीक्वेंटली क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिससे क्या होता है वो पुअरली कम्युनिकेटेड होता है, ठीक है। हाईली स्टाफ टर्नओवर रेट्स, एग्जाम्पल वर्कर डू नॉट स्टे लॉन्ग एनफ टू डू बी इन्फ्लुएंस्ड, वहां जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का टर्नओवर ज्यादा है, मतलब ज्यादा एट्रिशन रेट बोलते हैं उसे, ज्यादा है वहां पे भी एक अलग तरह का क्या होता है प्रभाव पड़ता है वर्कर के ऊपर, हम ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं कर पाते। देन लैक ऑफ रिसोर्सेज, टू फ्यू वर्कर ड्यू टू डाउन सीजिंग एंड लैक ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट, जहां पे रिसोर्सेज नहीं हो रिलेटेड टू सेफ्टी, हमने कमिटमेंट कर दिया, लीडरशिप ले लिया, लेकिन सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे लीडरशिप की सॉरी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो यदि वो नहीं है फिर भी हम सेफ्टी को क्या करेंगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, आप वर्कर से बात नहीं करेंगे, उनके सजेशन नहीं लेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, वहां पर भी क्या होगा आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर डिटोरिएट होगा। देन इंटरपर्सनल इशू, एग्जाम्पल अनरेगुलेटेड पीए ग्रुप प्रेशर, बुलिंग और हरासमेंट, जहाँ पे इंटरपर्सनल इश्यू होगा, जहाँ पे यदि कोई आगे पढ़ता है तो उसको बहिष्कार किया जाता है, जो साथियों का ग्रुप है उसको बहिष्कार करते हैं, बुलिंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं, चिढ़ाते हैं, वहां पर भी क्या है एक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, वहां पर कोई प्रोसीजर नहीं हो या जो प्रोसीजर है वो वैलिड ऑथेंटिक अच्छा नहीं हो, जिससे कि सारा हजार्ड रिस्क उस प्रोसीजर में कवर आते हो, इसके लिए भी आपका जो है सेफ्टी कल्चर है वो डिटोरिएट होगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एग्जांपल इकोनॉमिक क्लाइमेट रिजल्टिंग इन डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बाहर का जो बाहरी प्रभाव है, इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज है, रिजल्ट डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, जो बाहरी कंडीशन के चलते किसी और रीजन की वजह से वहां पे कोई मतलब डिफिकल्ट से ऑपरेट नहीं, डिफिकल्ट होता ऑपरेट करने के लिए उस कंडीशन को,
तो क्या होगा, वहां पे भी आपका नेगेटिव सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ रीजंस थे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस सारी चीजें अवॉइड करें ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, अपने सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करें। और हमारा टारगेट है जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंसिडेंट की पॉलिसी पे काम करना। ये सब चीज कभी हो पाएगा जब ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपके एम्प्लॉय के अंदर तक निकलेगा, तभी त्याग करके हम एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।